शिवान, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मैजिकल टिप्स, यानी कि बहुत छोटी सी चीज, 5 या 10 रुपए की ये चीज आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी और हो सकता है बहुत सारे लोगों के घर में ये चीज अवेलेबल भी हो। बट क्या आप जानते हैं, इस चीज से आप अपने घर के वास्तु दोष को खत्म कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका बिजनेस स्लो चल रहा है, बच्चों को नजर लगी है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, या फिर घर में बहुत नजर लग गई है, वास्तु दोष है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, या काम नहीं बन रहे हैं, कोई भी ऐसे तरीके की परेशानी से अगर आप लोग फेस कर रहे हैं, अगर ऐसी परेशानियों से आप पीड़ित हैं, तो आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान उपाय, जिसे करते ही आपको इमीडिएटली रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप भी तो जानना चाहते होंगे ऐसी कौन सी चीज है जिसे करते ही साथ आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिल जाए, जानिएगा, बट वीडियो में ध्यान से देखिएगा। बट उससे पहले ये जान लीजिए मैं कौन, मैं शालिनी गुप्ता वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको, मेरा आशा करती हूँ आप लोग घर में सब सही होंगे, मजे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, बात करने वाली हूँ आज मैं ऐसी कौन सी 5 या 10 रुपए की चीज है जिससे आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, यानी कि भाग्य ही बदल जाएगा। अगर आपका बिजनेस स्लो चल रहा है, बहुत परेशान है बहुत टाइम से, तो बिजनेस एकदम से ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके घर में बार बार लोगों की नजर लग जाती है, घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जरूर ये नजर का ही दोष है। नजर की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कई बार वास्तु दोष होने की वजह से भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हेल्थ रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड, या फिर आपको ऐसा होगा मैरिज में प्रॉब्लम आ रही होगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो वास्तु दोष की वजह से भी हो सकता है। भाई, अब अपने घर को आप तोड़ तो नहीं सकते, ठीक करवाने के लिए बहुत सा पैसा लगेगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं सिर्फ 5 या 10 रुपए की ऐसी चीज जो आपके घर के वास्तु दोष को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले चलना चाहूंगी मैं पहली टिप की तरफ। सबसे पहली टिप है, अगर आप लोग चाहते हैं आपके घर में पॉजिटिविटी रहे, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। आज जो मैं उपाय बताने वाली हूँ वो एलम यानी कि फिटकरी के उपाय बताने वाली हूँ। फिटकरी से आप अपनी प्रॉब्लम्स बहुत सारी खत्म कर सकते हैं। फिटकरी में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है और आपके घर में पॉजिटिविटी लेकर आती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला उपाय, अगर आप अपने घर में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, तो एक कांच के बाउल में फिटकरी रखिए और उसे मेन डोर के आसपास कहीं रख दीजिए। हर 15 दिन या 1 महीने में एक बार इसको चेंज करते रहिए। जब आप चेंज करेंगे, वो फिटकरी को आप बाहर कहीं फेंक सकते हैं, टॉयलेट में फ्लश कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। अगर आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बहुत परेशान हैं, कंसंट्रेशन नहीं है, मेमोरी नहीं है, पावर उनका बहुत, मतलब पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। बहुत से बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता, उनकी माँ उनके पीछे भागती रहती हैं। या अगर आप भी बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कांच के बाउल में थोड़ा सा टुकड़ा एलम का यानी कि फिटकरी का अपनी स्टडी टेबल पर रख लीजिए। बस जितनी भी आसपास की नेगेटिविटी है वो सब सोख हो जाएगी और आपका मन पढ़ाई में लगना स्टार्ट हो जाएगा, या आपके बच्चों का मन पढ़ाई में लगना स्टार्ट हो जाएगा। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। अगर आपका बिजनेस स्लो चल रहा है, बहुत परेशान हो गए हैं, बिजनेस में तेजी आ ही नहीं रही है, तो थोड़ी सी फिटकरी लाल कपड़े में बांध कर आपको अपने दरवाजे यानी कि मेन डोर पे बांधना है। बिजनेस अगर घर से कर रहे हैं तो घर टांग लीजिए, बाहर है अगर बिजनेस वर्क प्लेस तो वहां टांग लीजिए, मेन डोर पे अंदर की तरफ आप इसको हैंग कर लीजिए। आपका बिजनेस दौड़ने लग जाएगा, जैसा आप चाहते हैं अपने बिजनेस से वैसा ही होने लगेगा। इसको आपने मंथ में एक बार चेंज करना है, कपड़ा भी दूसरा लेना है, फिटकरी भी लेनी है। इसको उठा के गंदे नाली में, पानी में, कहीं भी बाहर फेंक दीजिए और दूसरा दोबारा बना लीजिए। जिस डेट पे करते हैं उस डेट का खास ख्याल रखिए, क्योंकि अगले महीने नेक्स्ट डेट पे ही आपको दोबारा ये चीज करनी है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं मैम हमें नींद नहीं आती, परेशान है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, तो थोड़ा सा एलम किसी भी कपड़े, सफेद कपड़े में बांध कर अपने तकिए के नीचे रखना स्टार्ट कर दीजिए। इमीडिएटली नींद आना स्टार्ट हो जाएगी, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट उपाय की तरफ। बहुत से लोग हैं जिनकी व्हीकल में बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, यानी कि स्कूटी में, कार में बार बार एक्सीडेंट होते हैं। एक काले कपड़े में थोड़ा सा एलम आपको यानी कि फिटकरी रखना है और अपनी व्हीकल के अंदर रख दीजिए, एक्सीडेंट्स होने बंद हो जाएंगे पूरी तरीके से।
आपके व्हीकल को कोई भी चोट नहीं पहुंचेगी, आपको भी नहीं पहुंचेगी। ये प्रोटेक्शन भी करता है, बहुत से लोगों के यहाँ चोरी भी हो जाती है तो वहां पे ये व्हीकल चोरी होने से भी बचाएगा, यानी कि आपकी व्हीकल के प्रोटेक्ट करेगा ये, तो इसको जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट उपाय की तरफ। अगर आप लोग रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एलम एक कांच की कटोरी में रात को अपने बिस्तर के नीचे रखना स्टार्ट कर दीजिए। 15 दिन रखिए बिस्तर के नीचे, उसके बाद उसको उठा के टॉयलेट में फ्लश कर दीजिएगा, फिर दोबारा इसको रखिएगा, उसके बाद देखेंगे आपका जो रिलेशन है वो बहुत ही स्वीट और हार्मोनियस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी उपाय। अगर आपको लगता है किसी को बहुत बुरी तरीके से नजर लगी है, बहुत बुरी तरीके से काला जादू किसी के ऊपर कराया हुआ है, तो आपको लेनी है थोड़ी सी फिटकरी, थोड़ा सा नमक, नमक नॉर्मली घर में जो इस्तेमाल करते हैं वो लीजिए, और थोड़े से मस्टर्ड सीड्स, काले कलर के आते हैं मस्टर्ड सीड्स, वो मिक्स करके 7 बार आपने एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आपको घुमाना है जिसके ऊपर नजर है, 7 बारी आपको करना है। ये किसी भी दिन आप कर सकते हैं, सैटरडे या ट्यूसडे को करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उसको बाहर ले जाके मिट्टी के दिए में जला दीजिए, जिसके ऊपर भी जैसी भी नजर है वो जल्दी खत्म हो जाएगी। और आपको लगता है उसके ऊपर बार बार काला जादू किया जाता है, 15 दिन में एक बार जरूर कीजिए, जो भी जैसा भी काला जादू होगा वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। ये था आज का वीडियो, इसको लाइक जरूर कीजिएगा और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि छोटे से 5 या 10 रुपए से आप लोगों की बहुत सी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।